रेडी? ओके स्टार्ट। हेलो गाइस, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दिस इज पूजा और आप देख रहे हो दी टेक शो। बोल एक मिनट, ये तो मेरा चैनल है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर न्यू ईयर एवरीवन। एवरीवन। सो एज यू नो, हमने 3000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं 2023 के साल में। वेल ऑलमोस्ट, और 5 डेज एक्स्ट्रा भी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं कितना खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए, ये शब्दों में बताना मुश्किल है। इसीलिए मैं आज अपनी इकलौती टीम मेंबर को यहाँ पर कैमरा के सामने लाया हूँ। अब तक आप समझ ही गए होंगे, दिस इज पूजा, ये हमारी वाइफ है और हमारी कैमरा वूमन भी। नॉट द प्रोफेशनल वन बट डज द जॉब प्रीटी वेल। सो या थैंक यू वेरी मच एंड अपोलोजीज कि 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं मिल पा रही आपको। पहले माँ और पापा बीमार थे और उनको दिखाते दिखाते या उनको ठीक करते करते हम खुद बीमार पड़ गए। सो देर इज़ दैट। ओके सो बैक टू द टॉपिक। आज जो भी जितनी खुशी है उसका रीज़न आप ही हैं और हमारी कैमरा वुमन भी। एंड ऑल्सो मैं उन यूज़र्स का थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो हमारे एफिलेटेड लिंक्स से क्लिक करके कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। एंड स्पेशली कुछ यूज़र्स हैं जो ग्रोसरी वगैरह और ऐसे प्रोडक्ट भी जो मैंने लिस्ट नहीं कर रखे मेरे मास्टर लिंक से परचेज करते हैं, तो जो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब चलिए हमारे कैमरा वुमन को साइड में कर देते हैं क्योंकि ये खुद भी कैमरा के सामने ज़्यादा रहना नहीं चाहती। एंड वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। दोस्तों आज मुझे ऑलमोस्ट 10 महीने का अराउंड हो गए इस चैनल को चलाते हुए और इन 10 महीनों में मुझे बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आई। पर आज की वीडियो में आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में ज्ञान नहीं देने वाला। अगर आप भी एक नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, मोनेटाइजेशन नो मोनेटाइजेशन, मैंने इतने जितने टाइम में भी जो भी सीखा है वो आपको आज बताने वाला हूँ, जो ओवरऑल आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच अचीव करने में हेल्पफुल हो सकता है। फिर चाहे टेक चैनल हो या फिर कोई और जॉनरा का चैनल, हो सकता है वो चीज़ें आप फेस भी कर रहे हो या फिर शायद आगे जाके करें। द फर्स्ट पॉइंट इज थिंक एंड एक्शन। December 24, 2022 आई क्रिएटेड अ चैनल, जस्ट क्रिएटेड। फर्स्ट वीडियो अपलोड करते करते 8 मार्च 2023 हो चुका था। मतलब सोचने और विचार करने में सिर्फ 2 महीने से ज्यादा वेस्ट हो गए। वेल कम्प्लीटली सोचने में नहीं, आई हैव माई ओन एक्सक्यूजेस। इस रूम में जितनी भी लाइटिंग्स है उनको DIY करने में, साथ ही मेरे रूम में व्हाइट पेंट और जो मेरे PC डेस्क है उसको भी पेंट करने जैसे कामों में। बट यू नो, शायद इन सब चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स की डिलीवरी में डिले, एंड यस कुछ डिले ऑर्डर करने में भी। एंड जो मेन रीजन था वो था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। What will people think? लोग क्या सोचेंगे, कैमरा के सामने कैसे देखूंगा और बोलूंगा क्या अगर फेल हुआ तो? ये सब सोच सोच के अगर कोई काम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि यू कैन डू दैट। फेलियर इज जस्ट अ स्टेप। ये सिर्फ एक स्टेप है जिसको पार करके आपको आगे जाना है। एंड रही बात कॉन्फिडेंस की, तो वो यहाँ पे है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट। सी कहीं ना कहीं खुद को पुश करना ही पड़ेगा। और एक तरीका जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है वो है लिखो। आई नो यू कैन टाइप इन ए कंप्यूटर, बट लिखने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होने वाला है। वीडियो में आपको जो भी बोलना हो या जो स्मॉल से स्मॉल डिटेल आपको दिखानी हो वो आप अपने शब्दों में लिखो, इवन ये डिफरेंट एंगल से शूट करना भी। हाँ, ये डॉक्टरों वाली हैंड राइटिंग कंपल्सरी नहीं है, बट लिखो, बहुत हेल्प मिलेगी। और जहाँ तक प्रोडक्शन में डिफरेंस की बात है, एक दो वीडियो में नहीं लेकिन 4-5 वीडियो के बाद में आपको खुद से डिफरेंस लगेगा। और हाँ, इस कॉन्फिडेंस में डोंट गेट योर होप्स टू हाई। हर बार मंगलवार नहीं होता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक बार जो हमें मिल जाए, नेक्स्ट टाइम अगर हमें उससे कम या उसके बराबर ना मिले तो हम काफ़ी निराश हो जाते हैं। और हाँ, अगर सेम या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट देने के बाद भी सेम रिजल्ट्स ना मिले तो निराश होना स्वाभाविक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक वीडियो ने बहुत अच्छे व्यूज कलेक्ट किए, सडनली मेरी होप्स उस वीडियो के साथ में हाई हो गई। बट जब अगली कुछ वीडियोज में वैसा रिजल्ट नहीं मिला तो उम्मीदें टूटी। बट लेटर आई रियलाइज, आप अपना काम गुड एफर्ट्स के साथ करते जाओ, धीरे धीरे ऑडियंस अप्रिशिएट भी करेगी और सब्सक्राइब भी। बट इस बात का ये मतलब नहीं था यू शुडंट बी पॉजिटिव। देखिए, आप YouTube पर हैं तो आपको इसमें हर तरह की ऑडियंस मिलेगी, बहुत सारे आपके काम को अप्रिशिएट भी करने वाले, फिर वो चाहे कमेंट, लाइक या सब्सक्राइब किसी भी तरीके से हो, मोस्ट ऑफ टाइम कमेंट्स और कुछ नहीं भी। या आपको डिसलाइक से इतना फील नहीं होगा, लेकिन जब आपको ऐसा कोई कमेंट मिलेगा तो आप ज़्यादा फील करेंगे। कभी कभी अनप्लेजेंट कमेंट देखने को मिलते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज स्टे पॉजिटिव। और ऐसे कमेंट्स को आपको आराम से, ठंडे दिमाग से, ग्रेसफुली हैंडल करना होता है।
एंड ऑब्वियसली विदाउट बीइंग ऑफेंसिव। और समटाइम अगर आप वो नहीं कर पाते, यू जस्ट हैव टू इग्नोर देम, बट ऑलवेज रिमेंबर एक वो ऑडियंस भी है जो अप्रिशिएट करती है। सो जस्ट फोकस ऑन मॉसेज ऑफ ऑडियंस जो आपके कंटेंट को पसंद करती है और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और इसी के साथ काम में इतना ना डूब जाए कि आप बन जाए टू मच वर्कोहॉलिक। देखिए, जो बड़े इस्टेब्लिश चैनल हैं उनसे इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन उनसे कंपेयर करके फटाफट उन्हीं की तरह वीडियो डालना इज नॉट गुड। वाई बताता हूँ। देखिए, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनकी टीम है, बट ऑन ए न्यू चैनल यू आर ऑन योर ओन, और अकेले आप ये सब नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आप कर भी लेते हैं तो कंटेंट क्वांटिटी के चक्कर में आप प्रोडक्शन क्वालिटी खो देंगे और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी। देखिए, कॉम्पिटिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए रात दिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज है इससे घिरे रहना इज नॉट हेल्दी इन लॉन्ग टर्म्स। जस्ट गो आउटसाइड इन रियल वर्ल्ड एंड डू सम फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, नेचर को भी फील करना चाहिए और रियल लोगों से भी मिलना चाहिए। एंड प्लीज रिमेंबर, योर बॉडी इज द ओनली वेसल दैट यू लिव इन एंड एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। और फिर वो किसी समझदार इंसान ने कहा भी है, हेल्थ इज वेल्थ, रेस्ट इज सेकेंडरी। एंड आई नो हम इतनी जल्दी ये चीजें रियलाइज नहीं करते जब तक हम पर्सनली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करते। एंड प्लीज अंडरस्टैंड माई एडवाइस, यू डोंट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट। एंड आप में से बहुत लोग जानते होंगे गीकी रंजीत सर, जिन्होंने हाल ही में इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यू शुड गो एंड वॉच दैट। वेल, ये तो बात थी कि खुद को भी कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट डोंट ट्राई एनी शॉर्टकट्स। एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स पूरे करें, इस तरह के आपके मन में बहुत सारे ख्याल भी आते होंगे और बहुत सारे एड्स भी सामने आते होंगे, बट ट्रस्ट मी, उन सब में ना पड़े। आई नो शुरुआत में आपको लगता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स करना पूरे आसान नहीं है, एंड आई नो जब हम शुरुआत करते हैं तो ये गोल बहुत ही मुश्किल लगता है और ये शॉर्टकट अपनाना इज नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। और आपको लगता है कि ये गोल कंप्लीट होते ही यूट्यूब अपने आप पैसों की बरसात कर देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक स्टेप है, यहाँ पे आके आप अपने चैनल की जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझते हैं। आपको आइडिया लगता है कि हाँ, आपने कितना एफर्ट दिया है, आप अपनी ऑडियंस को समझते हैं, उनको सीरियसली लेते हैं, और यहाँ तक आते आते आप एक अच्छे पड़ाव पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्शन लेवल भी कुछ हद तक एक फर्स्ट वीडियो और यहाँ के कंपैरिजन में इम्प्रूव होता है। तो मैं कहूँगा कि जो यूट्यूब ने ये गोल रखा है, ये बहुत ही सोच समझ के रखा है और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। वो तरीके काम करते भी होंगे, आई डोंट डिनाई दैट, पर फिर आप इस प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे और कभी इसको सीरियसली नहीं लेंगे, और ना ही अपनी ऑडियंस को। एंड ट्रस्ट मी, जो ऑडियंस आप अपनी मेहनत से जोड़ेंगे, जो रियल सब्सक्राइबर्स होंगे, वो बहुत लंबी दूरी तक आपका साथ देने वाले हैं। एंड दैट इज द मेन पार्ट, आपको इन्हीं सब्सक्राइबर्स के साथ रहना है इंटरेक्टिव एंड ऑनेस्ट। लुक, नो मैटर व्हाट, कोई भी इंसान जो भी करता है उसके पीछे छोटा या बड़ा मनी मोटिवेशन कहीं ना कहीं होता है, तो ऐसे में स्पॉन्सरशिप या कोलेबोरेशन जैसे चीजें होती रहती है, फाइन, बट ऑलवेज स्टे ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद योर ऑडियंस, डोंट मिसलीड देम एवर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट सेल योर सोल, और अपनी ऑडियंस के साथ इंट्रैक्शन बनाए रखें। एंड आई नो ऑडियंस बढ़ने पे सबके कमेंट्स के रिप्लाई देना इज नॉट दैट ईजी, बट जो कॉमन क्वेरीज हो आप उनका आंसर दे के सभी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने रिप्लाई या जितना इंट्रैक्शन कर सको उतने करो। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ टाइम्स ऑडियंस आपकी वीडियो से ज़्यादा आपके इंट्रैक्शन और जो कमेंट्स की रिप्लाई है उनको अप्रिशिएट करती है। एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दैट, एंड ट्रस्ट मी, इट फील्स सो गुड। वैसे ऑनेस्टली, न्यू ईयर के नाम पे सिर्फ एक नंबर चेंज हुआ है और कुछ नहीं। एंड आई नो हम बहुत बार किसी ओकेजन का वेट करते हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए, बट इस न्यू ईयर के भरोसे ना रहे। जो भी आपको स्टार्ट करना है या करना चाहते हैं उसमें देर मत करिए, एंड डू इट टुडे। और इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा ना कि आप कितना आगे जा सकते हैं। और जहाँ तक चैनल की बात है, चल जाएगा, और टेक चैनल चलाना इतना मुश्किल नहीं है, या फिर कोई और चैनल भी जो आप अपने माइंड में सोच रहे हैं। एंड दोस्तों, मानो या ना मानो, COVID-19 इज बैक एट सम एक्सटेंट, तो ऐसे में अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।